तो गाइस जियो वर्ल्ड में हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए क्योंकि छोटा मॉल है और शॉपिंग के लिए फ्रैंकली बताओ तो काफ़ी हाई एंड ब्रांड्स है जो अभी फ़िलहाल हमें तो अफोर्डेबल नहीं है, तो वहाँ पे कुछ करने के लिए ज़्यादा था नहीं, स्टारबक्स के अलावा फूड के भी ऑप्शंस नहीं थे। तो हमने सोचा कि हम कुर्ला फिनिक्स चले जाते हैं क्योंकि 20 मिनट के डिस्टेंस पे है, कुर्ला फिनिक्स के पार्किंग लॉट पे है। और हाँ, अभी हम लोगों ने स्विच किया है फिर से DSLR मतलब A7S3 को क्योंकि अभी लो लाइट रहेगा, मूवी देखने जा रहे हैं और मूवी में कैमरा अलाउ कर रहे हैं वो लोग। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, हम लोग का ये फर्स्ट टाइम रहेगा कार लेके मूवी देखने का। और हम लोग कौन से मूवी को जा रहे हैं? 83 अभी मस्त लग रहा है ना। तो ये दूसरा वाला एंट्रेंस है और यहाँ पे मस्त उन्होंने पूरा लाइट्स का क्रिसमस ट्री बनाया है। और यहाँ से अभी हम जाएंगे ड्राइव इन थिएटर के लिए जिसका एंट्रेंस भी बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो यहाँ पे ये टिकटिंग एरिया है और मैं गेस कर रही हूँ कि अगर आपने ऑनलाइन टिकट्स बुक नहीं किया है तो आप यहाँ से टिकट्स बुक करा सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे रुके हुए हैं और हमसे जो हमारा कोविड सर्टिफिकेट है फाइनल सर्टिफिकेट वो पूछा है और अभी हम टिकट्स भी दिखा रहे हैं। मतलब आपको यहाँ पर अगर आना है मूवी देखने के लिए तो आपका दोनों वैक्सीनेशन होना कंपलसरी है जस्ट लाइक एनी अदर थिएटर। फुल ऑन फैंसी है ना एकदम बहुत, और वो जो लाइट्स उन्होंने लगाया वो बहुत सही लग रहा है। हाँ, एकदम अलग टाइप का वाइब है। हमने 10:45 PM का शो बुक किया है, इसके पहले का जो शो था वो 6:45 PM का था बट हमने सोचा वो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। सो C13 इज योर पार्किंग स्लॉट नंबर C13 तो इधर से सीधा ही जाना है क्या? हाँ, यहाँ से सीधा जाना है, वेलकमिंग पॉइंट पर आपको C13 बताना है, आपको गाइड कर दूँगी मैं। आप लोगों को ऊपर जाके एग्जैक्ट बताऊंगी कि आपको कहाँ से टिकट्स बुक करनी है और इसका प्रोसेस क्या है, कितना कॉस्टिंग है, वो सब एक बार हम ऊपर चले जाते हैं फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। अभी जैसे ये टर्न है, ये एक ही गाड़ी जा सकता है, गलती से कोई गाड़ी नहीं चढ़ा है या फिर किसी का गाड़ी बंद पड़ गया है तो क्या करेंगे ये लोग, क्योंकि स्टीप है ये। ये थर्ड लेवल पे है अभी हम लोग। ओ भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही ऊपर है। फाइनली गाने का आवाज आया, मतलब चार लेवल ऊपर आना है। मेरा तो हाथ दुख गया ये कैमरा पकड़ पकड़ के शूट कर करके। आपके लिए पूरा उसने वे दिखाया है। हाँ, तो लाइक करो उसके लिए, आपको समझ आएगा कि 4th लेवल तक है। दिस वन यस सर। ओके C11 12 ये है हमारा पार्किंग स्लॉट। इसका जो टिकट्स है मूवी का मैंने डायरेक्टली बुक किया है PVR के वेबसाइट से। आप वेबसाइट एंटर करते ही ना आपको एक सर्च बार दिखेगा, वहाँ पे आपने डाला ना ड्राइव इन थिएटर तो आपको डायरेक्टली इसका आ जाएगा, वो पेज आ जाएगा और वहाँ पे दिख जाएगा आपको कौन सा मूवी है और उसके टाइमिंग्स क्या है। टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना है, उसके बाद सारे स्लॉट्स दिखेंगे आपको। जैसे हम नॉर्मल मूवी टिकट बुक करते हैं तो अपने को सीट्स दिखते हैं, वैसे आपको कार के स्लॉट्स दिखेंगे। तो कार का स्लॉट सिलेक्ट कीजिए। मैं सजेस्ट करूंगी कि फ्रंट ABCD में से कुछ तो बुक कीजिए क्योंकि जितना स्क्रीन के बाजू में रहेगा उतना आपको अच्छे से देखने मिलेगा मूवी। तो हमने सी बुक किया है और हमने टिकट्स का कॉस्टिंग दिया है 2000 रुपीज़ पर कार। कॉस्टिंग है वो पर कार के हिसाब से होता है, लोगों के हिसाब से नहीं होता। आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपका किस टाइप का कार है, जैसे कि सिडान है या फिर SUV है, तो उस हिसाब से आपको पेमेंट देना होता है। हमने 2000 रुपीज़ दिया क्योंकि हमारा SUV कार है, उसमें आपका मूवी का टिकट भी इंक्लूडेड होता है और आपकी कार के सीटिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को लेकर आ सकते हो। जैसे हमारे कार में 5 लोग आ सकते हैं तो आज हम 5 लोग मूवी देखने आ सकते थे उसी 2000 रुपीज़ में और हमारा जो 2000 रुपीज़ है वो डिवाइड हो जाता था, बट हमारे ग्रुप में किसी को टाइम नहीं था तो हम दोनों अकेले ही आए। ये मस्त दिख रहा है ना, वो प्रोजेक्टर का यार है। अभी जैसे मैंने नीचे आप लोगों को बताया और इनको भी डाउट था कि
कहाँ से मूवी देखना है, तो दो ऑप्शन है आपके पास. एक तो आप कार के अंदर बैठ के देख सकते हो. तो अगर आप कार के अंदर बैठ के देख रहे हो तो आपको अपना FM स्टार्ट करना है और उसमें फ्रीक्वेंसी 88.5 के फ्रीक्वेंसी पे जाना है, तो आपको मूवी का साउंड सुनाई देगा. और दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप कार से उतर के जो आपका कार स्लॉट है पार्किंग स्लॉट, उसके यहाँ पे उन्होंने कुशन्स रखे हुए, तो आप वहाँ पे बैठ के भी देख सकते हो. और वहाँ पे छोटे छोटे स्पीकर्स लगाए हुए हैं, तो आपको इजीली मूवी का पूरा आवाज़ सुनाई देगा. अच्छा, मैनुअल ट्यूनिंग कर रहे हो आप? आई गेस मैनुअली करना पड़ेगा ना, थोड़ी पकड़ने वाला है. पकड़ता है क्या? पता नहीं मुझे, मेरा फर्स्ट टाइम है. 88.5. और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे अभी ये जो बाजू में गाड़ी नहीं है, XUV है, तो उसको रिवर्स लेने के लिए ज्यादा जगह नहीं था, तो उसने उल्टा ही लगा दिया. तो आप अगर जल्दी आ जाओगे ना, तो आप ऐसे सीधा बैठ पाओगे. अभी उन लोग गाड़ी में नहीं बैठ पाएंगे, और लोग को ऐसा ही बैठना पड़ेगा बेचारों को. तो मैं आपको ना बाहर से दिखा देता हूँ एक बार. तो वो प्रोजेक्टर है और उसका डायरेक्टली स्क्रीनिंग इस पे जा रहा है. अभी नेशनल एंथम शुरू हो रहा है, चालू होना चाहिए अभी. ये बहुत सही दिख रहा है प्रोजेक्टर का लाइट. सो आप ये पीछे वॉल पे भी बैठ सकते हो. ये सब तुम्हें क्यों दिख रहा है? चालू हो रहा है 83. अभी हम लोग मूवी देखते हैं शांति से. जस्ट स्टार्ट हो चुका है. तो अभी इंटरवल हुआ है मूवी का और अब तक मूवी ओके लग रहा है. बहुत कम लोग कार में अंदर बैठ के मूवी देख रहे हैं, मोस्टली सब लोग बाहर बैठ के मूवी देख रहे हैं. कुछ कुछ लोग बेडशीट लेके आए हैं, कुशन लेके आए हैं, तो मस्त बाहर ऐसा डाल के लेट के वगैरह भी देख रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे लॉन भी है, तो वो भी आराम से यहाँ पे लेट के देख सकते हो. बट आई फील मुझे कार में बैठ के देखना ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि कार का जो सीट है वो काफी कंफर्टेबल होता है, और ऐसे उसको थोड़ा पीछे करके मस्त सो के आराम से हम लोग मूवी देख रहे थे. यहाँ पे फूड के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं. फ्राइज है, बर्गर है, सैंडविचेस है, फिर पीने के लिए हॉट डॉग्स, हाँ हॉट डॉग्स है, आइसक्रीम्स है, काफ़ी कुछ है, समोसाज है, नाचोज है. बट यहाँ पे पॉपकॉर्न का जो प्राइजेस है वो रेगुलर अपने थिएटर से थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड पे है. क्योंकि अपने रेगुलर थिएटर में जो पॉपकॉर्न का टब है, लार्ज वाला टब, वो 290 में मिलता है. यहाँ पे छोटा वाला 330 का है, जो लार्ज साइज है वो 500 का है. वॉशरूम का भी फैसिलिटी है, और वॉशरूम के एग्जैक्ट पास में लाउंज एरिया है. तो अगर आपके साथ एजेड लोग आ रहे हैं जो कार में ज़्यादा समय तक नहीं बैठ सकते, तो उनको आप यहाँ पे बैठ के पूरा मूवी दिखा सकते हो. सिर्फ इतना ही है कि थोड़ा साइड में है, ऑफ सेंटर्ड है थोड़ा, बट ठीक है, कंफर्ट मिलेगा यहाँ पे. किसी को अगर गाड़ी छोटा रहेगा और अनकंफर्टेबल लगता रहेगा, तो यहाँ पे आके बैठ सकते हैं. यहाँ पे खाने पीने के लिए एक और ऑप्शन है, ये फूड ट्रक, और इसका भी नाम स्टारडस्ट कैफ़े है. यहाँ पे आई थिंक भेल और इडली ऐसे सारी टाइप की चीज़ें मिलती है, यानी कि बेसिकली थोड़ा फिलिंग जो आपको रहेगा वैसा टाइप का फूड यहाँ पर मिलता है. फर्स्ट हाफ तक मुझे ऐसा लग रहा था कि बोरिंग है मूवी, सिर्फ पेस नहीं पकड़ रहा था. बट लास्ट का जो मैच है ना, वो एपिक था. कैसा था आपका पूरा एक्सपीरियंस? डिफरेंट था. एक सिर्फ ऐसा चीज अच्छा लगा ना, कि लोग काफी कैजुअली बैठे थे, जैसे थिएटर में बैठे वैसा नहीं था. बट अगर आपको ऐसा आदत है कि चेयर पे थोड़ा रिलैक्स होके बैठने की आदत है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है. जो थिएटर में जो फील आता है ना, पूरे ऐसे एनग्रॉस होके वो देखते हो, वैसा नहीं आता. क्योंकि थिएटर में सराउंडिंग सिस्टम होता है, साउंड सिस्टम होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. और साउंड
हर एक चीज का, जैसे ये बोलते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी क्या हो रहा था, जैसे हम लोगों ने बाहर तो है ही उनका स्पीकर्स, वो भी अटैच्ड है, और हम लोगों ने रेडियो फ्रीक्वेंसी भी अटैच किया, तो एक एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिले है, तो थोड़ा डबल डबल आवाज आ रहा था, तो कुछ डायलॉग सुनाई नहीं दिए, तो वो एक प्रॉब्लम था। अगर आप बाहर बैठोगे तो आपको वो सब प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर आप कार में बैठ के सुन रहे हो तो फिर आप अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी भी अगर अटैच करते हो तो वो एक इशू हो सकता है, और हो सके तो 83 को ही आ जाओ, इसका थोड़ा सा फीलिंग अलग है। हाँ। क्योंकि मतलब फ्लैग वैग सब लोग ये और सब लोग क्लैप करते हैं, मतलब जब ऐसे 6 जाता है 4 जाता है तो सब ऐसे क्लैप कर रहे हैं, एक बार तो जरूर ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है सारी चीजें। सारे डिटेल्स हमने वीडियो में कवर किए हैं, बट इसके अलावा फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हम आंसर कर देंगे। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया रहेगा, अगर एंजॉय किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय गाइस, गुड नाइट।